नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 9 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। दोस्तों, 5 ऐसे स्टॉक हैं जो इस उठापटक वाले बाजार में स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तेजी बन सकती है और बन भी रही है। और 4 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें थोड़ा अलर्ट रहना है हमें। गिरावट हुई है और हो सकती है टेक्निकली अपने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं। एक एक करके 9 के 9 स्टॉक शॉर्ट में समझेंगे और ये यहां से 1 महीने के पर्पज से या 1 हफ्ते के पर्पज से ही लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने इन स्टॉक्स में पोजिशन बनाई हो मोर देन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर और आप ये वीडियो देखकर उसको पोजिशन को कन्वर्ट कर दें। नहीं, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो, मीडियम टर्म वाले हो और आप अगर कुछ सोच रहे हो इन स्टॉक्स के बारे में तो आप जो मेरा व्यू है वो भी कंसीडर कर सकते हैं। शुरू करता हूं स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स के साथ। तो पहला नाम है दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का IEX, और मैं इस पे काफी निचले स्तर से बुलिश रहा हूं 145 से। मुझे अच्छे से याद है, मैं कंटिन्यू आपसे कह रहा हूं कि बैठे रहो, लेके बेचना है ही नहीं। काफी लोगों को पता ही होगा ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। स्टिल मेरे को लगता है एक फ्रेश राउंड ऑफ रैली हो रही है। अभी मैंने आपसे कहा था कि एक बार 195 के ऊपर निकलते ही 205, 213, 210, 215, 225 तक स्टॉक जाएगा। अभी 213 हो चुका है, अब अगला जो पड़ाव है इसका सीधे 225 का निकल के आ रहा है दोस्तों। और ये स्टॉक अभी ये फ्री, मतलब कोई रुकावट नहीं है, आप ये मान लो कोई रुकावट नहीं है दूर दूर तक। कम से कम 235 तक तो कोई रुकावट नहीं है और उसके बाद सीधे लाइफ हाई की तैयारी करेगा ये स्टॉक। तो IEX पहला स्टॉक है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगला है दोस्तों GICRE, अपना OFS कंप्लीट करके आज वापस से चलने की तैयारी में लग रहा है मेरे को। GICRE चलता हुआ दिखा भी है, एट द एंड काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मूव आया है। मेरे को लगता है GICRE वापस से कहीं ना कहीं अपने ऊपरी लेवल पे आ सकता है, लेकिन इसमें ना व्यू बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग वाला नहीं बन रहा। इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि काफी बार रेंज प्ले करी है इस स्टॉक ने, तो नीचे से वापस आ रहा है ऊपर 395 के सपोर्ट लेवल से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। 422 तक ऊपर आ सकता है, देखा जाए तो नीचे 382 तक चला गया था, आज ही का लो है और वापस ऊपर आया है, तो मेरे को लगता है 415-420 स्टॉक दिखा सकता है। अगला स्टॉक है FMCG क्षेत्र से, देखो FMCG पूरा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो मैंने यह डाबर को उठाया है दोस्तों। डाबर में क्या कि फ्रेश राउंड ऑफ रैली आते हुए दिख रही है, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आई है, हाईएस्ट एवर लेवल्स आज आपको देखने को मिले हैं, लाइफ हाई लगाए और ये क्लोजिंग अच्छी लगी मेरे को, इसलिए ऊपर के लेवल्स प्ले कर रहा हूं। लेकिन अमेरिका से काफी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं और बाजार अगर पॉजिटिव रहता है ना तो फिर क्या है कि ये स्टॉक शांत होंगे, सुस्त हो सकते हैं, तो शायद कल ग्लोबल अच्छे के चलते हमारा बाजार अच्छा हो, इन स्टॉक्स में सुस्ती आ सकती है, तो नीचे में आप डावर को कोशिश कीजिएगा कंसीडर करने की। अगला है दोस्तों पेटीएम। पेटीएम का शेयर भी टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कंटिन्यू हायर हाइज के बैंड में। मैंने 520 रुपए पे आपके साथ शेयर किया था, 500 रुपए के एसएल के साथ, 580-600 के लिए, अभी 627 हो गया और अभी क्या है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2-4 दिन पहले किया है। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक और ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बजाज होल्डिंग। दोस्तों बजाज ग्रुप से IPO भी चल रहा है इस समय, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, बजाज फिंजर ऊपर आ रहा है, बजाज फाइनेंस अच्छा कर रहा है और बजाज होल्डिंग ने भी अपना लाइफ हाई हिट किया है अभी कुछ समय पहले ही, ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी इसमें फॉल आया है आज 3-4% का, मेरे को लगता है थोड़ा नीचे और आ जाए ना, ये 10,357 है अभी, लगभग 9,800 के समथिंग मेरे को लगता है वो एक अच्छा भाव होगा, ये दोबारा 12,000 की तरफ जाएगा। एक और स्टॉक मैं देना चाहूंगा दोस्तों जो स्ट्रेंथ में आज लौटता हुआ दिखा है, टाटा एलेक्साई आज वापस से स्ट्रेंथ में आ गया है, 250 रुपए भागा है स्टॉक, करेक्शन जितनी देनी थी आई थिंक हो गई खत्म करेक्शन, अभी वापस से चलना शुरू होगा क्या, मे भी हो सकता है, अगर कल इसने पॉजिटिविटी दिखाई तो ये समझ लो दोबारा 9,000 की तरफ जा रहा है, खरीदने के मौके ढूंढिएगा, और अगर कल वीक हो गया तो समझ लेंगे आज का जो बाउंस था वो डेड कैट बाउंस था। अब आता हूं वीक स्टॉक्स पे दोस्तों। पहला है BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कंटिन्यू अलर्ट कर रहा हूं, कंटिन्यू सावधान रहने को कह रहा हूं, आज फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो गई। जी हां, अब सिंपल है व्यू, जब तक 1327 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं तेजी नहीं करूंगा, मंदी करूं ना करूं लेकिन तेजी नहीं करूंगा। 1330 रुपए का भाव नोट कर लो, 90 रुपए ऊपर है यहां से, 90 रुपए जब तक ऊपर में बंद ना हो जाए ये स्टॉक वीक है, खत्म खेल मामला, कल्ली 1330 हो जाएगा मैं अपने वर्ड से पलट जाऊंगा और कह दूंगा जितनी गिरावट होनी थी फॉल्स ब्रेकडाउन होना था हो गया है, अभी हम इसमें बिकवाली और बाइंग कुछ नहीं करेंगे, शांति से देखेंगे। लेकिन अगर 1330 के नीचे ही रहता है ये फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग है और ये स्टॉक को नीचे में मैं आपको बताना चाहूंगा 1000-1050 तक लेके जा सकती है।
नेक्स्ट है दोस्तों इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें ज्यादा वीकनेस नहीं देख रहा हूं मैं, थोड़ी बहुत ही देख रहा हूं, स्पेशली अभी 223 के लेवल्स पे क्लोजिंग दिया स्टॉक ने आई थिंक, जी हाँ, और 220 पे नेक्स्ट सपोर्ट है, यानी कि जस्ट ₹3 नीचे ही है, लेकिन उसके बाद मेरे को 193-190 लेवल दिखता है। इस स्टॉक में भी मेरे को लगता है कि धीरे 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 करके नीचे स्टॉक जा रहा है, एक आध उछाल बीच में जरूर आता है, बट ये टिकता नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा सा सावधानी ही बरतने के लिए कहूंगा। अगला है दोस्तों रियल इस्टेट से शोभा लिमिटेड। शोभा में फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हुई है दोस्तों, इसमें भी सेम BDL वाला केस है। एक लेवल नोट कीजिए 1753 का, वाह भाई कमाल हो गया, इसमें भी एग्जैक्टली ₹90 का ही भाव आ रहा है ऊपर, अभी 1663 की क्लोजिंग है और मैं 1750 की बात कर रहा हूं, तो ₹90 के करीब का स्टॉप लॉस इसमें भी है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा वीक है, इसके तो वैल्यूएशन भी बहुत महंगे हैं, बट ये कि इसमें सपोर्ट बहुत ज्यादा है, नियर बाय सपोर्ट काफी सारे हैं, फिर भी मैं इस पे थोड़ा नेगेटिव हूं। जब तक 1753 का लेवल नहीं निकलेगा तब तक ऊपर नहीं हम देखेंगे, नीचे जाने के लिए घर कितना खुला है, सपोर्ट तो बहुत पास पास है, तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता, पर इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये स्टॉक है दोस्तों CDSL, जी हाँ हमारा फेवरेट है, बट क्या करें अभी ऊपर भागा काफी ज्यादा है, टेक्निकली थोड़ा सा वीक दिख रहा है, छोटा लेवल दूं तो 1280 तक नीचे आ सकता है, यानी कि यहां से लगभग ₹90 की और गिरावट दिख रही है। उसके बाद अगला लेवल 1155 का आएगा, अभी जब तक ये स्टॉक ₹1440 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक थोड़ा सा वीक साइड पे मुझे लग रहा है रह सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपके लिए रडार पे रहने चाहिए टेक्निकल टर्म्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।